शैलेश यादव पर आरोप है कि वो सांप के जहर को ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। जी न्यूज संवाददाता पूजा मक्कर ने डॉक्टर जतिन आहूजा से खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर ये कैसे किया जाता है। ये तीन तरह के तरीके से यूज किया गया है, या तो डायरेक्टली स्नेक बाइट की जाए, उसमें रिस्क ये रहता है कि समटाइम्स क्या करते हैं, अगर डोज ज्यादा हो गई सो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन ऑल्सो। सेकेंड केसेस में क्या होता है कि इसमें स्नेक वेनम को निकलवा के रखा जाता है, इसमें अडल्ट्रेशन भी की जाती है, उसमें किसी भी तरीके का जैसे ओपियोइड का अडल्ट्रेशन हो गई या अल्कोहल का अडल्ट्रेशन हो गई, ताकि इमीडिएट भी अच्छा इफेक्ट रहे और बाद में भी जब पेशेंट कॉन्शियस अच्छी गेन करे तो एक यूफोरिक इफेक्ट भी एक अच्छा आए। तो एक सेकेंड तरीका वो है। थर्ड तरीका होता है कि इसमें हम बाइट होती है जिसमें कहते हैं अंडर द ट्रेन्ड पर्सन एक नॉमिनल बाइट की जाती है, चाहे वो टंग पे हो चाहे वो आपके अदर बॉडी पार्ट्स में हो, एंड इन दैट कंटेक्स्ट जो बंदे करवाते हैं टंग बाइट दे चार्ज सम पर अमाउंट आल्सो। दीज न्यूरोटॉक्सिन्स बॉडी की मसल्स जो होती हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करके पैरालाइज कर देते हैं, एंड वन द पेशेंट गेन्स कॉन्शियसनेस, जैसे ही पेशेंट को होश आता है या पेशेंट दोबारा अपने सेंस में आता है तो जो किक आती है, जो सेंस ऑफ वेलबींग आती है, ये बहुत ही लंबा आती है, लगभग 3 से 4 हफ्ते तक रहती है।